आकर शराब की दुकान से लूट और शराब की पेटियों की चोरी करने वाले चार बदमाशों में से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने अवैध तबंचा, दो जिंदा कारतूस सहित 3400 रुपए भी बरामद किए। आपको बता दें कि चार बदमाशों में से तीन दिसंबर को सेल्समैन ने बंधक बनाकर गड्ढे में फेंक दिया था और उसके बाद शराब की दुकान में लूटपाट की, जिसकी शिकायत सेल्समैन ने की थी और जिस पर एसएसपी ने दो टीमें गठित की। और इसी बीच गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं।